भाई साहब स्पेशल लोगों के लिए वापस एक स्पेशल वीडियो आ चुकी है। हम लोगों ने टाउन हॉल 10, 11, 12 के ऊपर स्पेशल वीडियोस बना के रखी है 2023 के अंदर। कैसे आप लोग 3 स्टार कर सकते हो, कैसे क्रैक कर सकते हो किसी भी टाउन हॉल 10, 11, 12 को। आज हम लोग देखने वाले हैं टाउन हॉल 13 के लिए, और टाउन हॉल 13 इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उन सभी लोगों को देखना पड़ेगा जो टाउन हॉल 13 के नीचे भी है और जो लोग टाउन हॉल 14 और 15 के ऊपर जाने वाले हैं। क्योंकि भाई साहब आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो टाउन हॉल 14 पे आप आग बंद करके 3 स्टार कर सकते हो। टाउन हॉल 15 के ऊपर मैं खुद यूज कर रहा हूं, उस स्ट्रेटजी की शुरुआत, असली शुरुआत होती है टाउन हॉल 13 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो टाउन हॉल 13 के ऊपर है, उससे नीचे है, या फिर टाउन हॉल 14 के ऊपर जाने वाले हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे टाउन हॉल 13 के ऊपर। अगर आप लोगों ने टाउन हॉल 10, 11 और 12 की वीडियो मिस कर दिया, आप लोग देखना चाहते हो कैसे क्रैक करना है, ये 3 वीडियोस है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे हम लोगों ने टाउन हॉल 10, 11 और 12 के ऊपर देखा, वैसे ही आज हम लोग टाउन हॉल 13 के ऊपर सिर्फ 2 स्किल्ड अटैक स्ट्रेटजीज देखने वाले जो आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, आपका स्किल सेट हाई करेंगे और बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे आपका स्किल सेट। आज हम लोग देखने वाली पहली ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी और दूसरी एयर अटैक स्ट्रेटजी। ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी के अंदर एक आर्मी देखने वाले जो टाउन हॉल 11 से चालू होती है, वो है गाइज हमारी लेजेंडरी हाइब्रिड आर्मी। ये काफी स्टैंडर्ड आर्मी है, सेम टू सेम आर्मी कॉम्बिनेशन, आप लोगों को भी यही यूज करना है, बिल्कुल भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग आर्मी है ये टाउन हॉल 13 के लिए। हम लोग क्या करना है इस आर्मी के अंदर, क्वीन चार्ज करना है। क्वीन चार्ज ऐसा करना है जहां से क्वीन जिंदा बचे लास्ट तक, बस यही एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। और रही बात सीसी मारने की, टाउन हॉल 11 के ऊपर आपको क्वीन के साथ सीसी मारनी होती है, 12 के ऊपर भी क्वीन के साथ सीसी मारनी होती है, लेकिन 13 के ऊपर क्वीन के साथ सीसी नहीं मारोगे तो भी चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि रॉयल चैंपियन मिल जाती है आपको, तो मेन आर्मी के साथ आपकी रॉयल चैंपियन भी जाती है, तो कुछ भी अगर सीसी के अंदर रहेगा तो इजीली रॉयल चैंपियन और पॉइजन स्पेल उसको मार सकते हैं। तो सीसी की टेंशन खत्म, चाहे कुछ भी हो सीसी के अंदर, एक पॉइजन स्पेल डाल दो सीसी के ऊपर, खत्म। चाहे सुपर ड्रैगन रहे, सुपर मिनियन रहे, रॉकेट बलून रहे, इलेक्ट्रो टाइटन रहे, लावा हॉर्न रहे, चाहे कुछ रहे, एक पॉइजन स्पेल और रॉयल चैंपियन खत्म कर देंगे, मेन आर्मी के साथ रॉयल चैंपियन जाएगी। बस यही एक फंडा इस आर्मी का टाउन हॉल 13 के ऊपर, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम वैसी ही रहने वाली है। तो भाई साहब हमारे सामने ये वाला बेस आ चुका है, अब इस बेस के ऊपर कैसे करें हाइब्रिड, चलो बताता हूं। देखो भाई काफी सिंपल है, हम लोग क्वीन के साथ कहां से वैल्यू मिल रही है और कहां से क्वीन जिंदा बचेगी, यही देखना है हम लोगों को। सिंपली हम लोग क्या करेंगे इस बेस के ऊपर, स्टार्टिंग में एक वॉल ब्रेक देंगे और डायरेक्ट हम लोग क्वीन को टाउन हॉल सेक्शन में घुसा देंगे, जहां से हम लोगों को ये पूरा कंपार्टमेंट मिल जाएगा और सीसी भी ल्यूर हो जाएगी, तो ये एडवांटेज है, सीसी भी हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ये कंपार्टमेंट मिल जाएगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बारबेरियन किंग को यहाँ से नीचे की साइड पर डालेंगे और सीज बैरक को भी यहाँ से नीचे की साइड पर डालेंगे, और जो मेन हमारी हाइब्रिड आर्मी है वो हाइब्रिड आर्मी ऐसे आएगी, ग्रैंड वार्डन भी आएगा और रॉयल चैंपियन भी आएगी। जब हम लोग हाइब्रिड अटैक चालू करेंगे तो ये सारी चीजें ना खत्म हो जाएंगी, तो इस साइड पे कुछ बचेगा नहीं, तो क्वीन के पास एक ही रास्ता बचेगा, वो है ये वाला रास्ता, तो क्वीन को इसी साइड पे जाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वापस एक वॉल ब्रेक दे देंगे, तो क्वीन डायरेक्ट टाउन हॉल वाउन हॉल लेके डायरेक्ट यहाँ से इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर आ जाएगी। बस इतना सही प्लान है हमारा, काफी सिंपल प्लान है, करेंगे अभी अटैक इसी प्लान के साथ। ओके गाइस आर्मी तो सेम टू सेम हमारी वही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड आर्मी है, बिल्कुल भी एक भी ट्रूप आपको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले तो वॉल ब्रेकर आएगा, क्वीन के बाद वॉल ब्रेकर नहीं डालना। अगर जब आप क्वीन डिप्लॉय करके वॉल ब्रेकर डालते हो ना, तो कभी कभी वॉल ब्रेकर ना वॉल ब्रेक नहीं करता है, तो क्वीन डालने से पहले वॉल ब्रेकर डालो तो वो जल्दी वॉल फोड़ देगा। जब आप क्वीन डिप्लॉय करके वॉल ब्रेकर डालोगे तो वो ज्यादा चांस बनते कि वो वॉल ब्रेकर वॉल ना तोड़े, भाग जाए कहीं और, समझ रहे हो। और कोकोलून डालना तो काफी जरूरी है, देखो कितनी सारी सीकिंग एयरमाइंस, 2-3 सीकिंग एयरमाइंस यहां से ट्रिगर हो चुकी है, यहां पे क्वीन के ऊपर डैमेज हो रहा है, तो हम लोग यहां पे रेड स्पेल डाल देंगे, जिससे कि टाउन हॉल भी हम लोगों को यहां से मिल जाएगा, जैसे ही क्वीन आगे चली जाएगी सीसी भी हम लोगों को यहां से मिल जाएगी। ओके चलो गाइस टाउन हॉल यहाँ पे उतना ज्यादा डैमेज नहीं करता है, टाउन हॉल 12 और 13, क्योंकि टाउन हॉल फटने का पॉइजन वगैरह कुछ नहीं रहता वहां पे। यहाँ से हम लोगों को एनिमी की रॉयल चैंपियन भी मिल चुकी है, सीसी भी लूर हो चुकी है, पॉइजन स्पेल डाल देंगे सीसी के ऊपर, ये लो गाइस सिंपल पॉइजन स्पेल डाल देना है, चाहे कुछ भी हो सीसी के अंदर। ओके अभी हम लोग एक काम करेंगे, बारबेरियन किंग को डालेंगे, सीज बैरक को डालेंगे, और सारे के सारे जो माइनर से हमारे वो आएंगे, ग्रैंड वार्डन आएगा, ओके हॉक्स आएंगे, रॉयल चैंपियन भी आएगी और हेड हंटर्स आएंगे 2। यहाँ पे पहली हील्स पे लाएगी हमारी, ओके गोइंग गुड, काफी अच्छा जा रहा है अटैक, ओके
चलो भाई साहब, वार्डन की एबिलिटी सही टाइम पे दे दी, मैक्सिमम ट्रुप्स यहाँ पे वार्डन एबिलिटी के अंदर थे। ओके यहाँ पे एक फ्रीज डाल देंगे क्योंकि क्वीन के ऊपर डैमेज हो रहा था। चलो भाई साहब, वॉल ब्रेकर ने वॉल ब्रेक कर दी, क्वीन के ऊपर वापिस एक रेड स्पेल, खत्म है गाइस बेस। आर्मी बहुत सारी बची है और क्वीन देखो, क्वीन का रास्ता देख रहे हो, क्वीन जिंदा बची है कि नहीं बची है, बस यही तो करना है आपको, बस क्वीन का रास्ता आपको ढूंढना है। क्वीन का रास्ता ढूंढ लिया, हाइब्रिड आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, लिटरली कहीं से भी। ये देख लो क्वीन के पीछे सारी हिलर जिंदा है और क्वीन विथ एबिलिटी जिंदा है। और टाइम देखो कितना सारा टाइम बच चुका है हमारे पास, 50 सेकेंड्स के आसपास का टाइम। आर्मी भी देखो कितनी सारी बच चुकी है हमारे पास, है ना, खत्म है गाइस ये बेस। ये होता है एकदम पावरफुल अटैक, इसको बोलते हैं क्रैक करना, ये होता है बेस क्रैक करना, और यही चीज आपको सीखनी है भाई साहब। ओके अभी हम लोग इस बेस के ऊपर अटैक करने वाले, आप लोगों को आइडिया लग चुका है हाइब्रिड अटैक के अंदर क्या करना है, बस क्वीन चार्ज ऐसा करना है कि क्वीन जिंदा रहे, सीसी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है टाउन 13 के ऊपर। तो इस बेस के ऊपर हम लोग ज्यादा प्लान नहीं करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे, आपको डायरेक्ट अटैक करते टाइम ही आपको प्लान समझ आ जाएगा मैं करने क्या वाला हूँ। ओके तो आर्मी तो हमारी सेम टू सेम वही रहने वाली है, एकदम स्टैंडर्ड आर्मी। ओके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल ब्रेकर डालेंगे, देखो वॉल ब्रेकर कहीं और भाग गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वीन चार्ज हम लोग यहाँ से चालू कर डालेंगे। ओके क्वीन को हम लोगों को लेके जाना है ईगल आर्टिलरी कंपार्टमेंट के अंदर, और टाउन हॉल को पूरा हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, टाउन हॉल को बस बॉम्ब टावर समझो। टाउन हॉल के ऊपर हिल स्पेल डालोगे ना, सारे आपके हॉक्स और माइनर्स जिंदा बच जाएंगे, चिंता नहीं करनी ज़्यादा। सी हमारी क्वीन यहाँ से अभी अंदर की साइड पर आ चुकी है, क्वीन के साथ हम लोगों को ईगल वाला कंपार्टमेंट लेना है, सीसी भी शायद हम लोगों को मिल सकती है अगर लक सही रहा तो। ओके यहां पे पहली रेड स्पेल डाल देंगे हम लोग, नाइस गोइंग। ओके चलो गाइस एक बार सीसी मिल जाए हम लोगों को यहां से, तो हम लोग हमारा हाइब्रिड अटैक चालू कर देंगे टाउन हॉल के पूरे अपोजिट साइड से, ठीक है। ये लो क्वीन आ गई अपने रडार में, कम ऑन ग्रैंड वार्डन के ऊपर जाओ, नाइस पॉइजन स्पेल और फ्रीज स्पेल आएगा, बाप रे काफी सारा डैमेज है यहाँ पे क्वीन के ऊपर, वापिस एक फ्रीज आन दो। चलो गाइस क्वीन ने काम कर दिया, किंग और एस भी आएंगे और सारे के सारे माइनर्स आएंगे, हुड्डा आएगा, ओके उसके बाद हॉक्स आएंगे और रॉयल चैंपियन भी आएगी हमारी, वापिस एक रेज क्वीन के ऊपर, यहाँ पे एक हील। देखो क्वीन हमारी जिंदा बची है कि नहीं बची है गाइज, क्वीन को जिंदा रखना चाहे कुछ हो जाए, नाइस गोइंग नाइस गोइंग। ओके यहाँ पे वार्डन एबिलिटी की जरूरत थी क्योंकि ट्रुप्स स्प्रेड हो रहे थे, है ना, तो हील के अंदर तो कवर नहीं होते सारे ट्रुप्स, इसलिए वार्डन एबिलिटी। और रही बात टाउन हॉल की, डरना नहीं है टाउन हॉल से, हील स्पेल डाल दिया हम लोगों ने, बहुत सारे ट्रुप्स है बिल्कुल नहीं डरना, टाउन हॉल 13 नहीं है ठीक है, 14 या 15 नहीं है कि आप फटने के बाद सारे ट्रुप्स को लेके मरेगा या पॉइजन स्पेल निकलेगा, कुछ नहीं होएगा। ये देख लो गाइस जो हमारे कुछ हॉक्स थे जिनकी हेल्थ कम थी वही मरे बस, माइनस तो जिंदा ही है और क्वीन लास्ट तक जिंदा बची है। देखो एबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर ली, आरसी की एबिलिटी बच चुकी है, खत्म है गाइस ये बेस। देख रहे हो टाइम देखो कितना बचा है, ट्रुप्स देखो कितने बचे, क्वीन अभी भी जिंदा है, यही तो करना है, यही तो होता है क्रैक बेस का। ये हो गया 3 स्टार हमारा इस बेस के ऊपर, सिंपल हाइब्रिड आर्मी, क्वीन को जिंदा रखना है, दैट्स इट। अभी ये वाला बेस देख लो, इस वाले बेस के ऊपर भी हम लोग अटैक करने वाले, यहाँ पे सीसी बहुत ज्यादा दूर है लेकिन हम लोग सीसी को इग्नोर करेंगे और क्वीन चार्ज ऐसी जगह से चालू करेंगे जहां से क्वीन हमारी जिंदा बचे, दैट्स इट, सीसी को पूरा इग्नोर करेंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोग सबसे पहले यहां से क्वीन चार्ज अटैक चालू करेंगे जिससे कि हम लोगों को ईगल मिले, और हम लोग इस जगह से इसलिए कर रहे क्योंकि हम लोग क्वीन को जिंदा रखना है, वही तो मेन फंडा है इस आर्मी का। ओके चलो गाइस टेस्ला फार्म भी यहीं पे हम लोगों को मिल चुका है, काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है क्वीन के ऊपर, तो पहली हिल स्पेल आई मीन रेड स्पेल यहाँ पे आएगी। बारबेरियन किंग भी मिल रहा है एनिमी का हम लोगों को यहाँ से, बहुत सही। ईगल आर्टलरी भी हम लोगों को मिल रही है यहाँ से, नाइस गोइंग। कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटैक करना है, पूरा ध्यान ना आपका अटैक के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं कि मन के अंदर कुछ और चल रहा है और अटैक के अंदर आप कुछ और कर रहे हो, पूरा ध्यान पूरा फोकस अटैक के ऊपर रखना है आपको, एक एक चीज का आइडिया लग जाएगा जब आपका पूरा ध्यान अटैक के ऊपर रहेगा। ओके
काफी अच्छा जा रहा है अभी तक तो हमारा अटैक। वापिस एक रेड स्पेल आएगी और एक हेड हंटर आएगा, वॉल ब्रेकर। क्वीन को हम लोगों को अंदर लेके जाना है। ओके एस बी आएगा, सारे माइनर्स आएंगे। ओके क्वीन हमारी मेन आर्मी के साथ आ चुकी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, बस चाहे कुछ हो जाए क्वीन जिंदा रहनी चाहिए लास्ट तक। किंग और एसबी ने तो अपना काम यहाँ पे कर दिया है। एक फ्रीज स्पेल आएगा यहाँ पे, एक हील स्पेल, पॉइजन स्पेल एनिमी सीसी ट्रुप्स के ऊपर, डरना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे फ्रीज स्पेल टाउन हॉल के ऊपर। ओके कम ऑन ग्रैंड वार्डन, क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक हील, गुड्डे की एबिलिटी। ओके क्वीन देखो अभी भी जिंदा है हमारी, काम तो कर रही है। आरसी भी जिंदा है, आरसी देखो कैसे मार रही है सीसी ट्रूप्स को, यही तो काम है आरसी का, सीसी ट्रूप्स को मारना। आरसी एबिलिटी, ओके हिलर्स के ऊपर डैमेज हो गया, हिलर्स सारी की सारी हमारी मर चुकी है, खत्म है। फिर भी ये वाला बेस खत्म है, आर्मी काफी ज्यादा बच चुकी है हमारे पास। क्वीन अभी भी जिंदा है विथ एबिलिटी, और ये वाला बेस गाइस देखते देखते हम लोगों ने 3 स्टार कर दिया। बस क्वीन जिंदा रहनी चाहिए लास्ट तक चाहे कुछ हो जाए, लेकिन इस अटैक के अंदर हमारी जो हिलर्स थी क्वीन के ऊपर वो मर गई थी, उसके बावजूद ट्रिपल आ गया, क्योंकि यार हाइब्रिड आर्मी है ही स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ईजी ट्रिपल कर सकते हो आप। ये हो गई हमारी ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी हाइब्रिड। हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी तो हम लोगों ने देख ली, ऑलमोस्ट आप सभी लोगों का भी आइडिया लग गया होगा हाइब्रिड अटैक के अंदर करना क्या होता है और क्या नहीं करना होता है। लेकिन अभी जो अटैक स्ट्रेटजी देखने वाले वो बड़ी पावरफुल आर्मी है जो आपकी टाउन हॉल 13 से चालू होगी, 14 को तो अंधा पे लेगी भाई, इतना मारेगी टाउन हॉल 14 को कि टाउन हॉल 14 मतलब आप भूल ही जाओ, मतलब चिल, एकदम चिल अटैक कर सकते हो टाउन हॉल 14 के ऊपर। सबसे इजी टाउन हॉल 14 हो चुका है जब से ये अटैक स्ट्रेटजी आई है। और रही बात टाउन हॉल 15 की, तो मैं खुद मार रहा हूँ टाउन हॉल 15 के ऊपर, वो अटैक स्ट्रेटजी है गाइज एयर अटैक स्ट्रेटजी, हमारी सुपर आर्चर ब्लिंप लावालून। ये मेरी फर्स्ट एवर गाइड वीडियो होने वाली है सुपर आर्चर ब्लिंप लावालून की, इससे पहले मैंने मेरे खुद के अटैक्स पोर्ट्रे करे मेरे वीडियोस के अंदर, लेकिन गाइड वीडियो कभी नहीं बनाई, ये मेरी पहली टाउन हॉल 13 के ऊपर गाइड वीडियो होने वाली है। सुमित यार ये तो बताओ कि ये आर्मी यूज कैसे करनी है, इस आर्मी का फंडा क्या है, करने क्या होता है इसके अंदर? गाइज आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा ही होगा, हम लोग क्या करते हैं ना सुपर आर्चर ब्लिंप के साथ टाउन हॉल और उसके आसपास की 20-25% की वैल्यू आप लोगों को लेनी है। और मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये आर्मी के साथ उसी बेस के ऊपर अटैक करना जहां पे टाउन हॉल आप लोगों को सुपर आर्चर ब्लिम के साथ मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपली अपनी हाइब्रिड या किसी और आर्मी के साथ चले जाना स्पैम फिम, लेकिन ये आर्मी के साथ उन्हीं बेसिस के ऊपर अटैक करना जहां से आपको टाउन हॉल मिल रहा हो। तो भाई सिंपल सा फंडा है, सुपर आर्चर ब्लिम के साथ 20-25% की वैल्यू, हीरोज के साथ 20-25% की वैल्यू, कितना हो गया 50% हो गया, बचा हुआ 50% लावा लून से निकालना है, सिंपल दैट्स इट। इस आर्मी के अंदर एक और छोटा सा चेंज है, बेस के अकॉर्डिंग वॉर के अंदर यूज कर सकते हो, एक लावा हॉन्ड और एक दो बलून कम करके आप लोग वहां पे रॉकेट बलून ले सकते हो जिससे कि आपके ब्लिम्प सक्सेसफुली पास हो जाए। बाकी आर्मी के अंदर देख लो यहाँ पे क्या होने वाला है, सीसी के अंदर तो आपको सेम टू सेम कॉम्बिनेशन लेना है, 3 सुपर आर्चर्स लेने हैं, उसके बाद 2 वॉल ब्रेकर्स लेने हैं और 5 स्नीकी गॉब्लिन्स लेने हैं, और खुद के जो स्पेल्स है वहां पे 2 क्लोन स्पेल आपको लेने हैं और 5 इनविजिबिलिटी स्पेल्स लेने हैं, जहां पे आप क्लोन करोगे आपके सुपर आर्चर्स को और उनके ऊपर रेज डालोगे और कंटिन्यूअसली इनविजिबल स्पेल डिप्लॉय करते रहोगे उसके ऊपर, मतलब आपके सारे के सारे स्पेल्स सिर्फ सीसी के ऊपर लगने वाले, पूरा लावालून अटैक आपको विदाउट स्पेल्स करना है। डर लग रहा है? अरे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चिल करो। और रही बात सीसी कैसे मार रही है, अरे सुमित यहाँ पे तो इलेक्ट्रो टाइटन भी नहीं है ना ही पॉइजन स्पेल है, सीसी को कैसे मारे? चिल करो, टाउन हॉल 13 के ऊपर कोई भी ऐसी सीसी नहीं है कि जो आपको दिक्कत दे, सिंपली आपका किंग क्वीन आरसी ये 3 चीजें रहती है आपके पास सीसी को मारने के लिए, उसी के साथ आपके पास बेबी ड्रैगन रहता है, मिनियंस रहते हैं, आर्चर्स रहते हैं, चाहे कैसे भी सीसी आए आप लोग इजीली टेक डाउन कर सकते हो। सीसी को इग्नोर मार के भी ये अटैक स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल काम करेगी कि आप लोगों को लगेगा यार ये क्या बता दिया सुमित, यार ये कैसी आर्मी है भाई साहब। अभी हम लोग सबसे पहले इस बेस के ऊपर अटैक करने वाले और इस बेस के ऊपर भी हम लोग सीसी को पूरा इग्नोर मारने वाले, क्या होने वाला है प्लान चलो बताता हूं। बेस लेआउट काफी अच्छा है राइट, लेकिन प्लान देखो हमारा क्या होगा, सिंपली हम लोग सबसे पहले लावा हॉन्ड को यहां से इस वाले एयर डिफेंस के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद सिंपली यहीं से हम लोग ब्लिम्प को डिप्लॉय करेंगे और ब्लिम्प को हम लोग खोलेंगे गाइस यहाँ पे, उसके बाद सिंपली उसके ऊपर हम लोगों को इनविजिबिलिटी स्पेल डाल देना है, उसके बाद 2 क्लोन स्पेल डाल देनी है और रेड स्पेल डाल देना है, तो हमारे आर्चर्स के साथ देखो टाउन हॉल मिल जाएगा, ये 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 ये
ये इतनी सारी चीजें हम लोगों को हमारे ब्लिम्प के साथ मिलेगी। उसके बाद गाइस जो हमारे हीरोज हैं, हमारे हीरोज को हम लोग यहाँ से अंदर की साइड पे डिप्लॉय करेंगे, अंदर की साइड पे लेके जाएंगे और हीरोज को सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक आइस गोलम को डालेंगे। सीसी यहाँ पे राइट, सीसी को फुल इग्नोर, हीरोज सक्षम है सीसी को मारने के लिए। ये चीज हम लोगों ने कर दी। उसके बाद देखो इतना सेक्शन ना हम लोग टेक डाउन कर लेंगे, इतना सेक्शन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा गाइज ये ऊपर वाला सेक्शन। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लावा हॉन्ड को डालेंगे पीछे से, बलून्स बलून्स बलून्स, ग्रैंड वार्डन आएगा और रॉयल चैंपियन भी आपकी मेन आर्मी के साथ आएगी। पूरे बेस को बलून्स के साथ आप लोगों को सिंपली पुश करना है और एबिलिटी आपको तब तक नहीं देनी है जब तक आपके बलून्स के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक वार्डन की एबिलिटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ से थोड़ा से आगे बढ़ेंगे बलून्स, स्कैटर शॉट का जैसे हिट आने वाला रहेगा उस टाइम पे हम लोग एबिलिटी देंगे। बस यही तो करना है भाई साहब इस आर्मी के अंदर। काफी सिंपल तरीका है, स्टार्टिंग में देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन जब आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कितनी सिंपल आर्मी है ये। ओके भाई साहब, आर्मी तो हमारी काफी स्टैंडर्ड है, जहां पे हम लोग टोटल 4 हेड हंटर्स ले रहे और 31 बलून्स ले रहे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को वार्डन को एयर कर लेना है। उसके बाद जो हमारा लावा हॉन्ड है उसको यहाँ पे डालेंगे और ब्लिम्प को डाल देंगे। ठीक है, ब्लिम्प को अभी पहुंचाना है हमको इस वाले कंपार्टमेंट में जहां पे एक्सबो है। यहां पे खोलेंगे, इनवी स्पेल डालेंगे। ओके, वापिस इनवी स्पेल, डबल क्लोन और रेड स्पेल। अरे बाप रे, यहां पे लावा पप्स क्लोन हो चुके, क्या बात है भाई साहब। चलो गाइस, टाउन हॉल अभी हम लोगों को यहां से मिल जाएगा। ओके, टाउन हॉल हम लोगों को मिल चुका है। ईगल के ऊपर हमारी जो आर्चर्स है वो लॉक हो चुकी है। इवन ईगल आर्टलरी मिलेगा, मिल गया ईगल आर्टलरी मिल गया। वैल्यू देख रहे हो कितनी मिली है, मैंने क्या बोला था 20-25%, 24% की वैल्यू हम लोगों को मिली है ना। यहाँ पे बलून्स के साथ फनल, जिससे कि बारबेरियन किंग अंदर जा सके और वॉल ब्रेकर से क्वीन अंदर जा सके। सिंपल, फिलहाल देखते हैं सीसी के अंदर क्या है। ओके, नकली सीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से लावा लून अटैक चालू कर देंगे। ओके, वार्डन डालेंगे और आरसी को डालेंगे। अरे यार, ग्राउंड वार्डन चला गया क्या। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 4-4 हेड हंटर्स है हमारे पास। वार्डन एबिलिटी नहीं दबानी है अभी, ठीक है, हेड हंटर्स देंगे उसके बाद वार्डन एबिलिटी दबानी है। ये देखो 4 हेड हंटर आ गए, थोड़ा पुश होने दो। ओके, अभी देंगे वार्डन एबिलिटी, जिससे कि चारों के चारों हेड हंटर्स हमारे जिंदा बच चुके हैं। आरसी भी है, ये लो गाइस, ये वाला बेस खत्म हो चुका है। आरसी एबिलिटी के अंदर ये पूरा बेस खत्म हो जाएगा। लो गाइस, खत्म। कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस बेस को 3-स्टार कर दिया। आर्मी भी देखो कितनी सारी हमारे पास बच चुकी है। सीसी से डरना नहीं है यार, आपके हीरोज ही सक्षम है सीसी मारने के लिए। या कभी कभी तो आपको सीसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके सुपर आर्चर से सीसी निकाल लेंगे। ऐसे टाइप के भी बेस मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गया गाइस हमारा 3-स्टार अटैक। अभी वापस करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखो हमारे सामने ये वाला बेस आ चुका है। अब इस बेस की भी खासियत है, चलो बताता हूँ। अभी ये जो बेस है ना, इस बेस को बोलते हैं एंटी 3-स्टार। एंटी 3-स्टार मतलब 3-स्टार नहीं होगा, ऐसा नहीं ये 3-स्टार नहीं होगा, लेकिन ऐसे टाइप के बेसेस को बोला जाता है एंटी 3-स्टार बेसेस या फिर ESL स्टाइल बेसेस। ये बॉक्स बेस नहीं है ना ही रिंग बेस है, इनको बोलते हैं ESL स्टाइल या फिर एंटी 3-स्टार। ऐसे बेसिस के ऊपर इस आर्मी के साथ काफी इजीली 3-स्टार अटैक हो जाता है, लेकिन एक अलग तरीके से। ये तरीका आपको पसंद आएगा, ज्यादातर लोगों को ये वाला तरीका पसंद आएगा क्योंकि ये तरीका बहुत सिंपल पड़ जाता है। देखो यहाँ पे ना हम लोग 2 लावा हॉन्ड की जगह सिर्फ 1 लावा हॉन्ड लेंगे और वो 1 लावा हॉन्ड कम करके हम लोग एक्स्ट्रा बलून से ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम लोग करना क्या, देखो हम लोग ना एयर स्वीपर, देखो एयर स्वीपर की पोजीशन किधर है, एक की तो इस साइड पे है और एक की इस साइड पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली ढेर सारे बलून्स डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, बलून्स डालेंगे। और बलून्स के साथ हम लोग डालेंगे गाइस यहाँ पे हमारे ग्रैंड वार्डन को, और ग्रैंड वार्डन के साथ साथ हम लोग हमारी बैटल ब्लिम को भी डालेंगे और उसी के साथ 1-2 हेड हंटर डालेंगे यहाँ पे, जिससे कि एनिमी क्वीन को मार सके। और जैसे बलून्स और ब्लिम थोड़ा सा आगे पुश हो जाएंगे, तुरंत हम लोग वार्डन की एबिलिटी दबा देंगे, जिससे क्या होगा पता है, हमारे जो बलून्स है वो वार्डन एबिलिटी के अंदर जिंदा रह के ये सब खत्म कर देंगे। मतलब बेसिकली ये पूरा कंपार्टमेंट बलून्स खत्म कर देंगे और हमारी ब्लिम सक्सेसफुली यहां तक पहुंच जाएगी। यहां पे हम लोगों ब्लिम को फोड़ना है,
डबल क्लोन डालना है, इनवी डालना है, रेज डालना है, जिससे कि हम लोगों को सीसी मिले, टाउन हॉल मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, और टाउन हॉल को जैसे ही टारगेट करेगी एक्सबो भी टारगेट हो जाएगा, एक्सबो भी मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। मतलब बेसिकली जो हम लोग ब्लिंप डालने वाले हैं ब्लिंप और वार्डन के साथ, ये पूरा सेक्शन हम लोगों का इस मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग हमारे हीरोज को यहाँ पे बुलाएंगे, सीसी से कुछ आता भी है तो सीसी को हम लोग यहाँ पे बुला लेंगे, किंग और क्वीन सक्षम है उनको मारने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे हमारे हीरोज पता है, नीचे की साइड पे तो सब क्लियर हो चुका होगा ये वाला पूरा सेक्शन, तो यहाँ पे तो आएंगे नहीं, तो हीरोज हमारे जाएंगे इस वाले साइड पे, तो हम लोग यहाँ पे फनल वनल बना के हीरोज को यहाँ से अंदर लेके जाएंगे, तो हीरोज निकाल लेंगे इतना सेक्शन। फिर क्या बच जाता है गाइस, एक कंपार्टमेंट बच जाता है जो कि है ये वाला कंपार्टमेंट, ईगल कंपार्टमेंट। ईगल कंपार्टमेंट में लावा लून कर देना है, और रही बात आरसी की, तो आरसी को हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे, खत्म कहानी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लान लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल प्लान्स होते हैं ऐसे वाले, लिटरली बहुत सिंपल होते हैं। आप खुद भी जब एक बार ट्राई करोगे ना, आप बोलोगे सुमित भाई क्या स्ट्रेटेजी बता दी यार तुमने। ओके गाइस, तो देखो आर्मी के अंदर हम लोगों ने एक लावा हॉन्ट कम करके एक्स्ट्रा बलून्स लिए, ठीक है। ओके भाई साहब देखो, सबसे पहले हम लोगों को बलून्स डालने यहाँ पे ढेर सारे, उसके बाद एयर बुढ़ा, ओके, उसके बाद ब्लिंप जाएगी हमारी, और दो हेड हंटर्स जाएंगे, और बुढ़े की एबिलिटी जाएगी, ठीक है। ओके हेड हंटर गलत चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पे फोड़ देंगे, यहाँ पे एक आर्चर डाल देंगे कोने में, जिससे कि जो सीसी के ट्रुप्स है वो भटक जाए, इधर उधर चले जाए, है ना। चलो भाई साहब सी हम लोग काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है यहाँ से सुपर आर्चर्स के साथ। ये लो भाई साहब, जो वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल मेरे को वैसी ही वैल्यू मिली है यहाँ से, देख लो भाई मस्त तगड़ी वैल्यू हम लोग को मिली है, राइट। अभी हम लोग सिंपली बारबेरियन किंग और क्वीन को यहाँ से डिप्लॉय करेंगे। किसी के अंदर देखो चाहे कुछ हो, एक कोने में आर्चर डाल के बुला लेना, सिंपल। यहाँ पे हम लोग फनल बना रहे हैं जिससे कि हमारे ट्रुप्स अंदर की साइड पे जा सके, है ना, मतलब हमारे हीरो, सॉरी। यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर इसीलिए क्योंकि क्वीन अंदर आ गई थी, तो क्वीन को बाहर ले जाने के लिए वो वॉल ब्रेक। सी अकॉर्डिंग टू प्लान सारी चीजें हो रही है हमारी, है ना, सिंपल है यार, काफी सिंपल तरीका है। उनकी एबिलिटी आरसी जाएगी, आरसी यार गलत जा रही है, मल्टी पे जाना था आरसी को लेकिन नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लावा डाल के बलून्स डालेंगे वापिस यहाँ पे, कुछ बलून्स। अभी भी एक इनविजिबिलिटी स्पेल हमारे पास बच चुका है, खत्म है गाइस ये बेस, और कितना ओवर पावर तरीके से खत्म हुआ है भाई साहब, क्या ही बोलूं मैं। इसको बोलते हैं गाइस असली क्रैक। अभी ये ऐसा क्रैक है ना, कोई भी बंदा, कोई भी नौसिखिया भी करेगा ना इस बेस के ऊपर, वो भी 3 स्टार कर लेगा, इतना सिंपल प्लान है। इसी को तो बोलते हैं गाइस क्रैक करना बेस को, बेस को 3 स्टार तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन बेस को क्रैक करना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर ये आपने सीख लिया तो ख़त्म भाई, ख़त्म कर दोगे आप सामने वाले को, ख़त्म कर दोगे। देख रहे हो बलून्स भी कितने बचे थे, इनवी स्पेल भी बची थी, इजीली ट्रिपल हो गया ये वाला बेस। चलो भाई साहब अभी आप लोगों को आइडिया लग गया होगा सुपर आर्चर ब्लिंप लावा लून के अंदर क्या करना होता है। अभी हम लोग इस बेस के ऊपर अटैक करेंगे, जहाँ पे मैं प्लान नहीं बताऊंगा आपको, बिना प्लान के अटैक करूंगा, प्लान आपको सोचना है, गैस करना है दिमाग में, ठीक है, जिससे कि आपकी प्लानिंग करने की ताकत इंप्रूव हो जाए। ओके तो सबसे पहले लावा जाएगा और ब्लिंप जाएगी, प्लान अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हाँ क्या कर रहा है सुमित प्लान, है ना, अच्छी बात है, नाइस। यहाँ पे हम लोग इनवी डाल देंगे, ओके वापिस एक इनवी, डबल क्लोन और रेज। अभी अपने को इधर से देखो क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, वापिस इनवी, कम ऑन मैन, गिव मी द वैल्यू फास्ट। चलो गाइस वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, टाउन हॉल मिल चुका है, स्कैटर मिल चुका है, ये मल्टी मिलेगा क्या, मिलना तो चाहिए था, खैर मिला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीसी आ चुकी है, तो सीसी को फुल इग्नोर, सीसी इग्नोर करके जो मेरा प्लान था वो मेरा प्लान कर रहा हूँ अभी। सीसी आने के बाद सीसी को देख लेंगे, ओके ये मल्टी इन्फिर्नो मिलना था अपने को लेकिन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो भाई आरसी को यहाँ से डाल देंगे हम लोग, लावा लून चालू करेंगे, बुड्ढे को डालेंगे क्लीन अप के लिए मिनियंस, चार चार हेड हंटर से हमारे पास,
देखिए एबिलिटी दे दी जिससे कि लावा हॉन्ट सरवाइव कर सके, है ना, कि लावा सरवाइव करना जरूरी है। आरसी कोर में आ चुकी है, क्वीन अभी भी जिंदा है, आरसी भी जिंदा है। यहाँ पे कुछ बलून्स मिनियंस क्लीन अप के लिए, चार हेड हंटर अभी भी बचे हमारे। आई डोंट थिंक इनको यूज करने की जरूरत भी है, खत्म हो चुका है गाइस बेस। बलून्स देख रहे हो, एक दर्जन से भी ज्यादा बलून्स हमारे पास बच चुके हैं। क्वीन भी जिंदा है, आरसी भी जिंदा है, बुढ़ा भी जिंदा है। लो भाई साहब, हेड हंटर विजर टावर को मारने के लिए डिप्लॉय करे हमने, और ये बेस खत्म, एक दर्जन से ज्यादा बलून्स के साथ बेस खत्म। सिंपल स्ट्रेटजी राइट। मैं टाउन हॉल 15 फोड़ता हूँ भाई इस आर्मी से, टाउन हॉल 13 क्या ही चीज़ है, 14 की तो मतलब फोड़ देगा ये आर्मी, फोड़ देगी 14 को, अंधा फोड़ देगी। तो भाई साहब ये थी आज की हमारी टाउन हॉल 13 की गाइड वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने दो स्ट्रेटजीज देखी, हाइब्रिड और लावा लून। और मैं पर्सनली खुद चाहता हूँ कि आप ये सेकंड वाली जो एयर अटैक स्ट्रेटजी लावा लून, ये आप ट्राई करो, हाइब्रिड से ज्यादा ये ट्राई करो, क्योंकि हाइब्रिड से ट्रिपल लगेगा। इस आर्मी में थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन फाड़ दोगे आप लोग अगर ये आर्मी अगर आप लोगों ने सीख ली तो। बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।